इट्स मी मृदुल वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज काय चित्र बाय मृदुल। ये जो वीडियो है ना, इससे पहले ऐसी कोई भी वीडियो हमने हमारे चैनल पे नहीं की है, बट मैंने पोल लिया था कि डू यू गाइस वांट टू सी हॉल और फैशन काइंड ऑफ वीडियोस, तो आप लोगों ने बता हाँ हाँ बिल्कुल देखेंगे हम, तो ये लो मैं आ गई एक हॉल वीडियो लेके। आई हैव सो मच स्टफ टू शो यू ऑल एंड आप लोगों ने टाइटल तो देख लिया होगा कि इट्स अ हॉल अंडर 700 रुपीज, तो मोस्टली सारी चीजें जो है ना वो 700 के अंदर है। तो अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी चीज का लिंक चाहिए होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑल्सो कौन सी चीज कितने में मैंने मंगवाई है, उसका प्राइसिंग जो रहेगा वो स्क्रीन पे मैं ऐड कर दूंगी। सो या विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो द फर्स्ट थिंग आई गॉट इज दिस सैटिन शर्ट। इसके ऊपर ऐसा ज़िगज़ैग काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है। सैटिन इज इन सो मच ट्रेंड, आई नो गर्मी है बट ये काफी फ्लोई मटेरियल है। ये ऐसा सैटिन है जिसमें गर्मी नहीं लगती है। मैंने इसमें एक दो पीसेज और भी मंगवाए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। मुझे ये बहुत पसंद आया तो मैंने थोड़ा सा डिग इन किया मिंत्रा पे एंड आई गॉट दिस वन। लाइक मैंने डिफरेंट डिफरेंट मंगवाए हैं, ये दोनों पैंट अलग मंगवाई है एंड शर्ट अलग मंगवाई है, बट ये एक परफेक्ट कॉर्ड सेट, लाइक सेम पैटर्न एंड सेम मटेरियल, अगर आप दोनों साथ में पहनेंगे ना तो बहुत ही शीक और बहुत ही क्लासी लुक आता है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग वी हैव अ फॉर्मल पैंट। ये थोड़ा सा ना खाकी कॉटन सॉर्ट ऑफ मटेरियल है एंड दिस इज अ हाई वेस्ट पैंट, और इसमें कोई भी ना सब बटन वगैरह नहीं दिए हुए हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट ये बहुत ही ना फिटेड पैंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। मैंने इसको ट्राई भी किया था, द प्रॉब्लम इज मैं इसको थोड़ा सा एक्सचेंज करना चाहूंगी क्योंकि जब ये मेरे पास आया सर जिप टूटा हुआ था, मैं इसको एक्सचेंज करूंगी। एंड दिस पैंट कम विद अ बेल्ट एज वेल, तो जब आप हाई वेस्ट इसको जिप लॉक करते हो एंड बेल्ट पहनते हो तो बहुत ही क्लासी सा लुक आता है। सो द नेक्स्ट थिंग वी हैव अगेन अ फॉर्मल पैंट, जस्ट बिकॉज यू नो आई एम अ फोटोग्राफर, मुझे बहुत सारी बिजनेस मीटिंग्स में जाना होता है एंड बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे बिजनेस इवेंट्स होते हैं, तो आई नीड फॉर्मल क्लोथ्स, राइट? तो आप भी अगर ऑफिस गोइंग हैं और अगर आप भी इस तरीके के इवेंट्स अटेंड करते हैं तो दिस इज अ परफेक्ट फिट दैट यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन। ये इस तरीके के चेक पैटर्न में मुझे बहुत अच्छा लगा था। दिस इज अ मिक्स मटेरियल ऑफ कॉटन एंड पॉलिएस्टर, ये भी हाई वेस्ट है, जिप लॉक सिस्टम के साथ में आता है एंड इट कम्स विद अ बेल्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट्स व्हाई आई ऑर्डर इन थ्री डिफरेंट कलर। तीनों पैंट्स के प्राइसेस जो है वो थोड़े डिफरेंट है, तो आपको तीनों के प्राइसेस में यहाँ डिफरेंट मेंशन कर दूंगी। सो द नेक्स्ट वी हैव एन ऑलिव ग्रीन कलर, इसका ये बेल्ट है इसके साथ में, इस तरीके का इसका बकल आता है एंड द सेम पैटर्न वी हैव इन पिंक कलर, क्योंकि ये वाला पैंट जो है ना ये बहुत बॉसी लगता है जब आप पहनते हो, फॉर्मल लुक क्रिएट करता है, तो पूरा लुक क्रिएट करने के लिए ना मुझे इसके साथ का ना ब्लेजर भी मिल रहा था, ऑब्वियसली मैंने उसको सेपरेट मंगवाया है बट सेम पैटर्न मुझे ब्लेजर मिल गया, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। सो दिस इज द ब्लेजर आई गॉट, दिस इज अ टेलर स्टिच ब्लेजर एंड दिस इज अ क्रॉप ब्लेजर विद हाफ स्लीव, और ये जब पूरा आप साथ में सेट पेयर करते हो ना तो बहुत ही शीक और बहुत ही बॉसी लगता है, अगर आप इसको पहन के किसी इवेंट में जाएंगे ना, आई कैन बेट दैट यू कैन स्टैंड इट। सो द नेक्स्ट अगेन वी हैव अ फॉर्मल पैंट, ये थोड़ा ना स्ट्रेट पैंट काइंड ऑफ है, मैंने इसको ऐसे प्रेस कर दिया था वरना ये स्ट्रेट है, ये बिना बटन के नहीं आती, इसकी हुक आती है इस तरीके से एंड दिस कम्स विद अ बेल्ट ऑल्सो, तो आपको अलग से बेल्ट नहीं लेना पड़ेगा, और जो कि मैचिंग कलर में है। जब मैं इसको खरीद रही थी ना तो मेरी नजर ना एक ब्लेजर पे भी पड़ी, मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे उस टाइम बाय करते टाइम लग रहा था सेम कलर है बट थोड़ा सा 19-20 कलर, इतना पता नहीं चलता है दूर से देखने में, बट स्टिल दोनों का कलर डिफरेंट है, पर अगर आप दोनों को साथ में पहनते हो तो बहुत प्यारा लगता है, मेरे को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे जब मैंने इसे पहना था। आई गॉट दिस ब्लेजर, ये ब्लेजर मुझे क्यों अच्छा लगा, पहली चीज तो सिंगल ब्रेस्टेड ब्लेजर है, डबल ब्रेस्टेड ब्लेजर नहीं है तो गर्मी नहीं लगेगी, सेकंड थिंग इज इसके जो शोल्डर्स है ना उसमें इन्होंने पफ्स ऐड किए हुए हैं, तो व्हेन यू वेयर इट ना तो शोल्डर ऐसे एकदम क्रीज बन के एकदम स्ट्रक्चर्ड रहता है, जैसा हमको एकदम बॉसी लुक चाहिए, एकदम बैडास वाला वैसा लुक आएगा। दिस इज अ फुल स्लीव ब्लेजर, जो पहले वाला ब्लेजर था वो हाफ स्लीव ब्लेजर था, यू कैन स्टाइल इवन आपकी ड्रेस के ऊपर भी इस तरीके की ब्लेजर आप स्टाइल कर सकते हो, और अगर आपको पेयर करना है तो भी आप पेयर कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आइटम, द नेक्स्ट आइटम वी हैव अगेन अ फॉर्मल पैंट, दिस इज इन नेवी ब्लू कलर, मेरे पास ना मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने ना पैंट्स का हॉल कर दिया है, बट इट इज व्हाट इट इज, दिस इज फ्रॉम द सेम ब्रांड, जितनी भी पैंट्स है वो सारी एक ही ब्रांड्स है, दैट इज टोक्यो डॉगीज, आई गेस मेरा टोक्यो डॉगीज जो है मेरा फेवरेट ब्रांड हो गया अभी, बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं यार। दिस इज इन कॉटन मटेरियल अगेन, ये आता है इस तरीके की बेल्ट के साथ में, इसका साइड जिप है, जो जिप लॉक सिस्टम है वो साइड पे है इस तरीके से, तो अगर आप पहन रहे हैं तो कोई भी आपको बकल वगैरह का ऐसे सम टाइम होता है ना ब्लोट लगता है पेट, वैसा कुछ नहीं होगा, एकदम ऐसा स्लीक लुक आएगा एंड यू जस्ट टाई अ बेल्ट एंड गुड टू गो। सो द नेक्स्ट आइटम आई हैव इज दिस वन, दिस इज अ जैकेट, आई डोंट नो मैं गर्मी में पहन के इसको कहां जाऊंगी, बट मैंने मंगवा ली है ये ज्यादा मोटा डेनिम मटेरियल नहीं है, बट स्टिल व्हेन यू टच इट एंड फील इट ना, ये डेनिम वाला फील ही आपको दे, मुझे ये बहुत कूल लगी यार, इसके ऊपर का वर्क देखो तुम, लाइक ओ माय गॉड, इसके ऊपर कैंडीज बनी हुई है, इसके ऊपर कैट है, देन वी हैव अ ग्लोब, इसके ऊपर ड्रीम लिखा हुआ है, तो मेरे जैसे बंदी जो इतना सब क्रिएट करती है उसको इससे ज्यादा क्या मिलेगा, इट हैज वाईफाई एज वेल, तो मुझे ना जब मैंने इसको देखा ना मेरे को लगा यार ये वो चीज
अच्छी थी जो मेरे पास होनी ही चाहिए. सो आई बॉट दिस एंड इसके साथ साथ में मुझे सेम प्रिंट का पैन मिल गया. मैंने सोचा ले लो एक कॉर्ड बनाना, तो मतलब मेरे को बहुत पसंद है चीजों का मिक्स मैच करके कॉर्ड सेट करना. सो स्ट्रेट पैंट्स हियर अगेन इन सेम प्रिंट, इसके ऊपर सेम एज इट इज प्रिंट है जैसा इसके ऊपर है. इसके ऊपर चैट लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी चैट लिखी हुई है. मैंने जो ये मंगाया था ना, दिस वॉज आई गेस 400 or 450 rupees एंड दिस वॉज फॉर 1000 rupees. तो अगर मैं इन दोनों का सब टोटल करूँ ना, तो दिस इज इन 700 or 750 समथिंग, 50 rupees ऊपर तो चलते ही है ना. बट ये बहुत अच्छा लगा मेरे को एंड दिस इज सो वर्दी आई गेस. इतने में अगर मैं 1500 भी देखूँ तो 1500 में कोई भी कॉर्ड मिलते नहीं है, वो भी अच्छे मटेरियल में. दिस इज इन वेरी गुड मटेरियल. और इसका पैंट जो है दिस इज नॉट इन जीन्स मटेरियल, दिस इज इन कॉटन मटेरियल. तो ब्रीदेबल है. ये थोड़ा सा है ट्रिकी क्योंकि जीन्स मटेरियल है, बट आई लव बोथ ऑफ देम. तो मेरे को लगा नहीं नहीं ये चाहिए, तो मैंने ये ले लिया. ओके सो द नेक्स्ट थिंग आई एम गोना शो यू इज दिस सैटिन शर्ट जो कि मैंने यहाँ पहनी हुई है राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल गाइस. इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा ना अंबी प्रिंट है. हम जम्मू में तो इसको अंबी प्रिंट ही बोलते हैं, आप यहाँ कुछ और बोलते होंगे तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. दिस इज सो फ्लोई, एकदम ब्रीदेबल मटेरियल है, सैटिन है, फिर भी इतनी गर्मी नहीं लग रही है. और हम सूरत बैठे हैं, सूरत में बहुत गर्मी है. इसी के साथ में सेम पैटर्न में मुझे ये पैंट भी मिल गई थी. लग रहा है ना कॉर्ड एकदम साथ में डाला हुआ, बट ये नहीं है, अलग अलग बाय किया हुआ है. थोड़ा ढूंढना पड़ता है मिंत्रा पे चीजें, बट इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. ओके गाइस दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को वीडियो में मजा आया होगा एंड प्लीज डू लेट मी नो कि आपको इतने सारे कपड़ों में से सबसे अच्छा क्या लगा. अगर मैं आपको मेरा फेवरेट बताऊं तो दिस कॉर्ड आई एम वेयरिंग राइट नाउ, ये मेरा फेवरेट है. द ग्रीन वन मैंने आपको बताया था, वो भी मेरा फेवरेट है. एंड जो जैकेट और कॉर्ड का मैंने सेट बनाया है लाइक पैंट एंड जैकेट, ये तीनों कॉर्ड मेरे बहुत फेवरेट है. मुझे ऐसा लग रहा है ना मेरे को कॉर्ड का ऐसा ऑब्सेशन हो गया है. सो डू लेट मी नो कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा एंड आई होप कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी. इफ यू वांट मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस ऑन दिस चैनल, मेक श्योर यू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ढेर सारा शेयर करो एज मच एज यू कैन. तो मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, सी यू, जय माता दी.